तो जरा बताइए आप लोग, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, क्या पढ़े थे? नहीं बताओगे? मर्जी नहीं है बताने का, बता दो। अच्छा, आप लोग से मैं जब पूछा कि बहुत ज्यादा डेप्थ में सी पढ़ लें या शॉर्टकट पढ़ लें, तो आपने कहा नॉर्मल तरीके से पढ़ा दो। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, बड़े आसानी से बता दे रहा हूँ फिर, ठीक है। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मुझे बराबर समझ में आ गया कि पढ़ाना क्या है मुझे अब, ठीक है। तो बहुत बिल्कुल आसानी से बता दे रहा हूँ, लिस्ट कैसे सी पढ़ के तो कौन से हम झंडे गाड़ लेंगे, क्यों इन सी। चलिए जी, ऑपरेटर में आपको दिखा देता हूं कैसा होता है। आपने जो जोड़ घटाव गुणा भाग किया था ना, उसी को कहते हैं ऑपरेटर, ठीक है। अब इसी फोटो को मैं क्या करूंगा, सेव कर लेता हूं जी। अब मैं आपके सामने ये सब क्यों खोलता हूं, क्या मैं पहले से तैयारी करके नहीं आ सकता ऐसे? क्यों, तैयारी करना चाहिए था ना मेरे को? ओ, आप लोग तो बहुत ज्ञानी है आप लोग। कैसे? चलो जी, तुम डाउनलोड हो जाओ। अब इस फोटो को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। दिख रहा है ना सबको? सबसे पहला इसमें है ऊपर यूरिनरी, पता नहीं है क्या है यार, यूरिनरी ऑपरेटर, राइट। प्लस प्लस, माइनस माइनस, ठीक है। टाइप में क्या है, यूनरी ऑपरेटर। फिर इसमें क्या है, फिर इधर है बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर में क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है ना, इस बिटवाइज ऑपरेटर को मैं आपको छोड़ देता हूँ, नहीं बताता, ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी पे काम करता है। अब मैं बाइनरी आपको बताऊंगा पूरा ज्यादा डिटेल में पूरा अंदर, तो आपको फिर कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लगने, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको छोड़ देता हूं। और टर्नरी ऑपरेटर जो है ना, ये बड़ा काम का शॉर्टकट, शॉर्ट हैंड है, बड़ा मस्त है ये। जरूरत पड़ता है अगर, ठीक है, हमको, तो हम इस ऑपरेटर को इस्तेमाल कर लेंगे नीचे वाले को, नहीं तो नहीं करेंगे। हम क्या क्या पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे और यूनरी ऑपरेटर पढ़ेंगे, राइट। तो क्या क्या पढ़ेंगे जी, मैं लिख देता हूं नोटपैड में, ठीक है। इतना पढ़ेंगे, इतने से हम अपना काम कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, इम्बेडेड वगैरह सिस्टम में काम करते हैं तो ये बिटवाइज वगैरह आता है, नेट गेट के एग्जाम वगैरह में भी आता है, ठीक है। आपको कौन सा नेट गेट का एग्जाम देने हैं जी? क्यों नहीं देने हैं ना, देने हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें नेट वगैरह निकाल के लोग प्रोफेसर बनते हैं, कुछ रिसर्चर्स बनते हैं, जूनियर रिसर्चर्स फेलोशिप, ठीक है। यूनेरी छोड़िए, इतना काय के लिए मैं लिखूं, मेहनत करूं, ठीक है। सीधा सी लैंग्वेज में ओपन करता हूं, कोड ब्लॉक ओपन हो गया मेरा। कोड ब्लॉक को मैं हटाता हूं इधर से, मैं डेवलपर सी प्लस प्लस ओपन करता हूं, क्योंकि डेवलपर सी प्लस प्लस जो है आपके सिस्टम में, ठीक है जी। चलिए, आ गया। तो आप लोग बड़े ईमानदारी के साथ बताइए, ठीक है, कि जितना कल जो चीजें आपने पढ़ा वो सब कुछ आपको समझ में तो आ गया ना? आ गया, समझ में नहीं आया? अगर कुछ भी चीजें समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ लो, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, क्योंकि आगे मैं चला जाऊंगा और आपको पिछला समझ में नहीं आएगा तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा, बहुत ज्यादा तकलीफ वाला समस्या आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया जी पिछला सर? मैं आ रहा हूं अभी उस पे। क्या कहना था आपका? इंट ए, इंट बी, इंट बी, इंट सी, सी करूं इधर आ जाऊं, ए कर दूं, प्लस बी कर दूं, होल स्क्वायर करके फॉर्मूला बना दूं, ठीक है, प्रिंट एफ कर दूंगा मैं, ठीक है, और फिर इधर क्या कर दूंगा बताओ जरा,
डबल कोट के अंदर क्या करूंगा, परसेंट डी कर दूंगा जी, फॉर्मेटिव स्पेसिफायर दे दूंगा, सी को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा जी, मैं यही करूंगा ना, हो गया। कंट्रोल सेव, यस दबा के सेव कर दूंगा, ठीक है। सेव आप करेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, मेन लिख देता हूँ प्रोग्राम का नाम, और यहाँ पे डॉट सी नाम से आप सेव करोगे, ठीक। इसमें आऊंगा फिर कर दूंगा कंपाइल एंड रन एक साथ। ये क्या बोल रहा है, क्या मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। दो डी है, मेरा तो मन नहीं कर रहा है लिखने का, बताइए जी क्या एरर होगा। अब याद आ रहे हैं, चलिए जी, अरे ये तो फिर से भी गलती हो गया, ये क्या तरीका है, ये तो मजा नहीं आया मेरे को, बहुत ना इंसाफी है, इसको क्या समस्या हो गया इस सज्जन को, हमने तो सब कुछ सीखी सही काम किया है जी। लेकिन ए बी में कुछ वैल्यू तो डाल दूं मैं, क्यों डालना चाहिए हमको कुछ वैल्यू, हाँ फिर भी नहीं चलेगा, तो जरा आप लोग बताइए जी क्यों नहीं चलेगा, क्यों ये ऐसा क्यों बोल रहा है बताइए। चलिए जी अब समस्या आ गया, हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब चलेगा नहीं चलेगा, क्या कहते हैं आप लोग, चलना चाहिए अब नहीं चलना चाहिए, चल जाएगा। अरे पढ़ तो गया, क्या चीज चल गया था ना, कितना खराब मजाक है ये बताइए। ये तो बड़ा बेकार तरीका है जी, क्या मजाक है ये, बहुत गंदा मजाक है। देखिए ये हेडर फाइल है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जैसे ये प्रिंट एफ मैंने लिखा, ठीक, वॉइड लिख देता हूं जी, ठीक है, हटा दिया। अब आप देखिए मेन रिटर्न इंट वैल्यू बोल रहा है कि रिटर्न तुम्हें करना ही पड़ेगा जी, ठीक है। स्कैन एप नहीं दिया हूँ, दे देता तो चल जाता ना, क्या बात है जी, दे देता तो चल जाता, ठीक है। देखिए बात इसका ये है ना कि प्रिंट एफ जो है ये हमने लिख दिया, लेकिन इसका मतलब तो कहीं लिख के रखा होगा प्रोग्राम के अंदर, ये मेन है तो इसका भी मतलब कहीं लिख के रखा होगा, यहाँ पे आई एन टी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इन सब का मतलब, इस प्रिंट एफ का मतलब तो कहीं लिखा होगा, क्यों तो इधर लिखा होगा वो, ठीक है, ये इधर लिखा होगा, ठीक। और ये आपका कहना है ये कि जी हम तो हेडर फाइल इंक्लूड नहीं किए थे, फिर भी जो है चल गया था, मैंने भी चला दिया था बिना हेडर फाइल के, ठीक, तो ये कंपाइलर और आईडीई पे वेरी मैटर करता है, ठीक है, कंपाइलर पे आपका काफी ज्यादा मैटर करता है। अब 62 बिट का कंपाइलर है तो मेमोरी ज्यादा ले लेता है, लेकिन 16 बिट का कंपाइलर है तो मेमोरी कम लेता है, ठीक है, तो ये कंपाइलर वगैरह पे वेरी करता है। इसको हम लोग देखेंगे डिटेल्स में आगे, अगर मैं फंक्शंस वगैरह अगर मैं बताऊं तो, क्या कि फंक्शंस को अलग अलग मैं मॉड्यूल में बनाऊंगा, फिर कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता दूं, ये हेडर फाइल खुद का बना के फिर इंक्लूड करके आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है, इसीलिए मैं हेडर फाइल को नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन चलिए यही इसका मतलब है जी, ठीक है। इसको हम लोग और समझेंगे, ऐसा कुछ सिचुएशन हम बनाते हैं, बनता है समझने के लिए, तो ठीक है, तो ऐसा हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या किसी को कुछ नहीं है ना, है नहीं है, चलिए जी आगे चलें, क्या क्या, हाँ रन होगा ना, कंपाइल कर दिया, रन कर दिया, 20 आ गया है, ठीक, तो आगे चलें जी। चलिए जी इसको कर दिया ऐसे, इसको कर देता हूं मैं ऐसे, मैं चाहता हूं कि ये दो ठो जो नंबर है ना, इसको यूजर इनपुट करे, कैसे करेगा, आसानी से कर ले, ठीक, हटा दिया मैं, तो स्कैन एफ का मैं मदद ले लूंगा। स्कैन एफ क्या करता है, स्कैन एफ ये क्या करता है बताओगे आप लोग, नहीं बताने का मन है,
ए ले लूंगा, फिर कॉमा दे के बी भी कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और परसेंट डी लिख देता हूँ मैं। स्कैन एफ क्या करता है, अब यहाँ पे मैं क्या किया, यूजर से इनपुट तो ले लिया, ए और बी नाम के वेरिएबल में डेटा आ गया। अब मैं यहाँ करूंगा कि सी में असाइन कर दूंगा ए प्लस बी, यही है ना, क्यों। चलिए जी, 10 एंटर किया, 20 एंटर किया, ये तो ऐसा बोलने लगा जी मजा नहीं आया, क्या समस्या हो गया इस सज्जन को, ये तो बहुत नाइंसाफी है ना, नाइंसाफी। अच्छा मैं बताया नहीं, तो मेरे को तो लगता है कि यहाँ पे मैं बता दिया जी, हाँ मेरे को तो लग रहा है कि मैंने बता दिया है, आपको नहीं लग रहा है क्या। अच्छा एंड लगता है यहाँ पे ना, अच्छा चलिए जी एंड हम लगा देते हैं, अब चल जाएगा ना प्रोग्राम। अच्छा कंफर्म आपको नहीं है, अच्छा कंफर्म है ना, बाकियों को कंफर्म है कि नहीं है। चलिए अगर आपको कंफर्म है तो आपका ध्यान बराबर है इधर, ठीक है। 30 और 10 कितना होता है 50, तो 40 प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो इतना में तो किसी को कोई दिक्कत आएगा नहीं, आएगा दिक्कत नहीं आएगा ना यहाँ पे, हाँ कर देता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें। दस एंटर, पांच एंटर, दूआ तो गया, पांच दूना दस, और किसी को कोई तकलीफ नहीं है, है नहीं है। इतना सबको समझ में आ गया, मैं फिर से यहां पे आता हूं और कर देता हूं प्लस, ठीक। मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही प्रोग्राम रन कर रहा हूं ना, मैं फिर से तो कुछ गलत की नहीं दबा दिया, चल रहा है ये, मैं जैसे ही प्रोग्राम रन करूं यहां से ना, तो यहाँ पे कुछ आता नहीं है मैसेज, ठीक है, कुछ मैसेजेस नहीं आते, तो यूजर को पता कैसे चलेगा कि मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, क्यों पता तो नहीं चलेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा अपना तरीका बदल दूंगा, लिखूंगा यहाँ पे, ठीक, पी आर आई एन टी एफ प्रिंट एफ लिखूंगा, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा इंटर एफ आई आर एस टी फर्स्ट नंबर, ठीक। ये लिखा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आया ए नाम के वेरिएबल में डेटा होल्ड कर लिया मैं, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा ये लाइट, थोड़ा सा वेट करते हैं जी लाइट आने का, ठीक है। तो जितना मैं कोड लिखा था अब तक वो तो आपके समझ में आ गया होगा ना, चलिए तो लाइट आ जाते हैं तो फिर देखते हैं आगे। तो आप लोग बताइए यहां तक सबको समझ में आ गया है ना, देखिए तो क्या होगा, सबसे पहला आउटपुट आएगा इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर में जो चलेगा ये देखिए ये वाला लाइन चलेगा, ठीक, तो ए में ए स्टोर होके आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, पी आर आई एन टी एफ, ठीक है, प्रिंट एफ इंटर स्पेलिंग सही है ना, गलत होगा तो हमारा बिगड़ेगा थोड़े ना कुछ, कैन एफ, फिर यहां किया परसेंट डी, फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया और लिख दिया बी, इसमें एड्रेस भी लगा दूंगा ताकि वैल्यू चला जाए, कर दिया ये, ठीक। अब इसको समझते हैं क्या होगा, मेन में सबसे पहले आएगा प्रोग्राम हमारा, मेन से चलना शुरू होगा, तीन ठो वेरिएबल बन के रेडी हो जाएगा, राइट। फिर ये प्रिंट होगा इंटर फर्स्ट नंबर, हमारा कर्सर रुकेगा, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, स्कैन एप से इनपुट लेगा, ठीक है, ए वेरिएबल में जो हम इनपुट देंगे वो स्टोर हो जाएगा इसमें, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रिंट एफ में लिखा हुआ इंटर सेकेंड नंबर, तो ये प्रिंट हो जाएगा इसमें, इनपुट देने के बाद प्रिंट एफ लिखा है तो ये जो है प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से बी नाम के वेरिएबल में हमने स्कैन एप से इनपुट लिया है तो फिर से हमारा कर्सर रुकेगा, ठीक है, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, बी में इनपुट चला जाएगा। अब ए और बी नाम के वेरिएबल में हमने इनपुट दे दिया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा तो हमने लेके रख लिया, अब डेटा पे हमको क्या ऑपरेशन करना है, तो जोड़ना है, तो क्या करेंगे, सी इक्वल टू ए प्लस बी, सेमीकोलन दे देंगे,
जुड़ जाएगा ये, ठीक। और फिर हम क्या करेंगे, डेटा तो हम ले लिए, ऑपरेशन भी करके सी में रख लिए, अब क्या करेंगे, सी को प्रिंट भी तो करना है, तो सी को यहां पे हमने प्रिंट कर लिया। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? चलिए जी, तो सबको समझ में आ गया? आपसे मेरा विनम्र प्रार्थना है कि कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो, नहीं पूछेंगे आप लोग तो मुझे कैसे पता चलेगा समझ में आया कि नहीं आया। रन करूं प्रोग्राम, रन करो, कंपाइल रन कर देता हूं। इंटर फर्स्ट नंबर बोल रहा है, 10 एंटर किया, फिर बोल रहा है सेकंड नंबर, फिर 20 एंटर किया, आ गया 30। अब नेक्स्ट लाइन पे ये दिखना चाहिए ना, 10 और 20, नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए क्या करेंगे बताइए? स्लैश एन, तो ये चला जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। फिर से मैं कंपाइल रन करूंगा, हमने बदलाव किया है कुछ ना, तो हमें फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक। कंपाइल एंड रन कर दिया एक साथ, ये देखिए आ गया इंटर फर्स्ट नंबर, डाल दिया 20, सेकंड नंबर डाल दिया 20, आ गया सम, आ गया ना। चलिए जी, ये सॉफ्टवेयर कहाँ बना होगा, मैं ओपन करूंगा अगर, तो ये देखिए माय डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में मेन नाम से कोई होगा, ये देखिए मेन डॉट होगा कोई, ये देखिए मेन डॉट exe है, इसको आप कमांड से चला के देखो कैसे चलेगा, ठीक है। माय कंप्यूटर में जाऊंगा, इसमें आऊंगा, डॉक्यूमेंट फोल्डर में सीधा यहां से जाइए ना, यहां पे आऊंगा और cmd लिख के एंटर मारूंगा, ठीक है। और फिर ये देखिए मेन डॉट exe है ना, यह मैं लिख के टैब मारा, मेन डॉट exe आ जाएगा। ये क्या मजाक है, ओ समझ गया मैं। यहां पे फिर से आता हूं, लिखता हूं cmd, एंटर। मेरे को cd से जाना अभी तो पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, cd स्लैश, यहाँ पे आ गया cd। मैं क्या करूं, बैक जाऊंगा, यहां पे आ गया, cd यहां पे आके एडिट में आके पेस्ट कर दूंगा। ओ अब समझ में आया कि ये खुल का है नहीं रहा था, मैं इसी को कट कर दूंगा, फिर से ओपन करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यूजर्स में जाऊंगा, ठीक है, फिर आ जाऊंगा, किधर गया मेरा डॉक्यूमेंट, सी इसमें आ जाऊंगा, अब सीएमडी को खोलूंगा तो बराबर खुलेगा, ये देखिए खुल गया मेरा यहीं पे, अब main टैब मारा, आ गया, ठीक है, आ रहा है ना इंटर फर्स्ट नंबर, डाल दिया 40, 20, आ गया 60, राइट। अब जब 60 आ रहा है ना, तो ये पता नहीं चल रहा है कि किन किन को जोड़ करके 60 लाया है, राइट, मैं सही कह रहा हूं ना। चलिए, तो हमें पता चलना चाहिए ना, हमें किस तरह से पता चलना चाहिए, कमेंट आप लोग समझते हैं, HTML में मैं बताया था, यहां पे दो ठो स्लैश देकर के कुछ लिखेंगे तो कमेंट माना जाएगा, ठीक, इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा, ठीक। मल्टी लाइन कमेंट करना है तो कैसे करेंगे, स्लैश स्टार, ठीक है, और फिर ऐसे, अब यहां पे आप कुछ भी लिखेंगे तो ये कमेंट हो गया मल्टी लाइन, ठीक। मैं चाह रहा हूं कि ऐसा आउटपुट आए, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू सी, ठीक। अब ए में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, बी में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और सी में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक। तो सम ऑफ 10 एंड 20 इज इक्वल टू 30, इस तरह से मैं चाहता हूं कि आउटपुट मेरा आए, तो मैं कैसे लिखूंगा, ये सबको हटा देता हूं, सेम तरीके से लिख दूंगा यहां पे, ठीक है, यहां पे 10 के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ए, ठीक, 20 के जगह पे लिख दूंगा बी, 30 के जगह पे क्या लिख दूंगा सी। मैं सेम इसी को करता हूं, कॉपी कट कर दिया, यहां पे लाके पेस्ट कर देता हूं, ठीक। अब क्या करेंगे, हमको यहां पे दिखाना है ए का वैल्यू ना, तो ए का वैल्यू दिखाना है तो परसेंट डी कर देंगे, यहां पे बी का वैल्यू दिखाना है तो परसेंट डी कर देंगे, यहां पे सी का वैल्यू दिखाना है तो परसेंट डी कर दिया मैं, ठीक। अब यहां पे सबसे पहले मैं, मेरे को यहां पे ए का वैल्यू दिखाना है, ठीक, तो मैं यहां पे कर दूंगा ए कॉमा, फिर यहां पे बी का वैल्यू दिखाना है तो यहां पे कर दूंगा बी, फिर कॉमा करके कर दूंगा सी, ठीक।
तो एक ई यहाँ पे लिखूंगा तो पहले ए का वैल्यू आएगा, बी यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखूंगा तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे बी का वैल्यू आएगा, तीसरे नंबर पे सी को लिखूंगा तो सी का नंबर सी का यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये लाइन आपको समझ में आ गया नहीं आया? जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पे एक्सेस करोगे उसी सीक्वेंस में यहाँ पे होगा, ठीक। डेटा इस वेरिएबल्स में, इस वेरिएबल से डेटा जो है प्रिंट करना है, लेकिन प्रिंट कहाँ करना है तो प्रिंट परसेंट डी के जगह पे करना है। इंटीजर को प्रिंट करने के लिए परसेंट डी का इस्तेमाल होता है, राइट। चलिए कंट्रोल से सेव किया, कंपाइल करके मैं रन कर दूंगा। ये देखिए ठीक, 10 डाला, 20 डाला, ये देखिए आ गया सम ऑफ 10 एंड 20 इक्वल टू 30। कमांड के थ्रू अगर मैं इसी को चलाऊं तो क्या होगा, ये देखिए एंटर मारा, 20 लिखा, 30 लिखा, सम ऑफ आ गया यहाँ पे, ठीक। फिर से अगर मैं चलाऊं तो ये देखिए आ गया 45 45, 90 होता है ना, आ गया 90, ठीक। तो आपको समझ में आ गया जी, आ गया ना नहीं आया? अब किसी को ये सॉफ्टवेयर देना है तो क्या करेंगे आप, main.c को देंगे? नहीं जी, ये सोर्स कोड है, सॉफ्टवेयर ये है, हम इसको देंगे और वो डॉस के जरिए चला लेगा वो, जैसे मैंने चलाया डॉस के जरिए। आपको समझ में आ रहा है मैं डॉस के जरिए कैसे चला रहा हूं? नहीं आ रहा है? जहां पे हमारा exe नाम का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ये देखिए आ गया, डबल क्लिक मारा तो ये देखिए सम आया था ना, डबल क्लिक किया आ गया ये देखिए, लेकिन तुरंत गायब भी हो जा रहा है। इसका भी सॉल्यूशन होता है, गेट ch वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, गेट ch वगैरह लगा देते हैं। अभी तो हो सकता है कि एरर भी आ जाए जो है, ये देखिए आ गया एरर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे जो है। तो इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत, इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? है, एक बार फिर से बताऊं, सबसे पहले मेन पे आएगा प्रोग्राम, ठीक है, फिर तीन ठो वेरिएबल बनेगा, पहले ए वेरिएबल बनेगा, फिर बी वेरिएबल बनेगा, फिर सी वेरिएबल बनेगा। वेरिएबल का क्या मतलब है आप लोग समझते हैं? समझते हैं ना? इंट का मतलब आप लोग समझते हैं? चलिए, तो ये वेरिएबल बन जाएगा, फिर उसके बाद प्रिंट एफ में ए लिखा है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद स्कैन एफ में लिखा हुआ है ए, ए दिया हुआ है तो ए में क्या होगा, वैल्यू यूजर से इनपुट ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पे आ जाएंगे, सेकंड नंबर में इनपुट हम दे देंगे, ठीक ठीक है। फिर उसके यहां से सेकंड नंबर में इनपुट लेगा, यहां पे हमने डेटा ए और बी में यहां पे ले लिया है, ठीक। अब ए और बी को जोड़ना पड़ेगा हमको, तो ए और बी को जोड़ेंगे और रखेंगे कहां पे, सी पे रखेंगे, और इसी को तो दिखाना भी तो पड़ेगा, दिखाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा हमको। तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहां पे हम दिखा देंगे, ठीक, रिटर्न जीरो हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो कोई समस्या किसी को इसमें? समस्या नहीं होगा तो हम आगे चलेंगे, नहीं है ना? एक अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये जो था आपने ये जो जोड़ घटाव यहां पे कर रहे हैं ना आप सब, प्लस किए, माइनस किए, इनटू किए, डिवाइड किए, ये सब क्या है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है, ठीक। अर्थमेटिक माने क्या, जोड़ घटाव गुणा भाग करना, ये वाला आप लोग नहीं किए हैं, इसको मैं बता दे रहा हूं थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस इनटू डिवाइड जो आप लोग यहां पे कर रहे हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर ही है, ठीक। आगे चलें, इसमें किसी को कोई संदेह, कोई त्रुटि, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए जी, अगला देखता हूं मैं क्या है अर्थमेटिक ऑपरेटर में, इसको बता दे रहा हूं मॉड्यूलर ऑपरेटर को, ठीक है। फोटो फाटो खींच लीजिए, आपको खींचना है तो खींच लिया आपने, इन सबको मार देता हूं मैं डिलीट, ठीक। क्या हो गया, क्या क्या बताऊं, इसी में ना लिखूं, ऐसे करके हटा देता हूं, अब लिखूं? नहीं सर, मान लो क्यों सर, परसेंटेज में जहां पे प्लस माइनस और डिवाइड था वहीं पे परसेंटेज बदल रहा है। हां, कि और कुछ करना है? नहीं, और कुछ नहीं करना है, तो उसी उसी में बता दीजिए ना, क्यों जब कुछ करना है नहीं, इसी में बता दूं? हां, सिंपल मात्र। चलिए जी, यहां पे ये लगा दिया, ठीक।
अब देखना आप लोग क्या मैजिक मैजिक वैजिक कुछ नहीं है। 10, 2 आ गया 0। ठीक है, फिर से चलाते हैं जी प्रोग्राम। 10 enter 3 आ गया 1। आपको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? नहीं यार, 3 के जगह में मैं पहले 2 डाला था। मैं ऐसा ही कह रहा हूं ना, 3 के जगह पे 2 डाला था, तो 2 5 10 होता है ना, शेषफल कितना बचा? 0। तो वही 0 इधर आ गया था। अब 3 3 की 9, शेषफल कितना बचा? 1 यहां आ गया वही। ठीक, आपको नहीं समझ में आया? चलिए जी, 10 क्या लिख दूं, 7 3, जो शेषफल होता है ना वो जो है आ जाता है इसमें। ये परसेंटेज आपको जो दिख रहा है ये मॉडुलर्स ऑपरेटर है। ठीक है, मॉडुलर्स कहते हैं इसको। ये क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। ठीक, अब 7 1 7 हो गया, 7 1 7 ही होगा ना। अब 7 जो है 10 में घट गया 7, बच गया 3, तो 3 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये शेषफल बताता है, रिमाइंडर बताता है मॉडुलर्स ऑपरेटर। ठीक, आपने क्या सोचा था क्या बताएगा? परसेंटेज बता देगा ना, लेकिन यहां तो कुछ और हो गया। तो ये रिमाइंडर बताता है आपको। ठीक, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको क्लियर है? चलिए बाकी आप काम करिएगा जो है, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दें क्या? नहीं करें? हो गया। तो इन सबको मैं क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। ठीक, कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, PRINTF। ठीक, चलिए अच्छा मैं आगे चलता हूँ, सोचा था कुछ बताऊँ लेकिन छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा और पढ़ लें तो उसको देखेंगे। ठीक है, ये है क्या? रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिलेशन दर्शाता है। ठीक, ये क्या करता है? रिलेशन दर्शाता है। एक मिनट रुकना रुकना, आप भी फोटो मत खींचना, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ पेंट से। ठीक, और मैं क्या काम करूंगा? ठीक है, कि यहां पे आऊंगा, इसको यहां से ऐसे सिलेक्ट कॉपी करूंगा और फिर पेस्ट करूंगा। ये आ गया नीचे, मैं नहीं चाहता कि इसका एडवर्टाइजमेंट हो जी। ये वीडियो देख लेगा ना ये वेबसाइट वाला, तो हमको कहेगा हमारे वेबसाइट में से जब डाउनलोड कर रहा था फोटो तब तो कुछ दिक्कत नहीं हो रहा था, और अभी लोगों को हटा दिया। नो प्रॉब्लम, चलिए अब खींच लो। ठीक है, बोलो क्या बेवकूफी है ये, इस अपने कर रहे हैं। नहीं, इसको बेवकूफी नहीं, सेटिस्फेक्शन कहते हैं। ठीक है जी, आगे चले। चलिए, शॉर्टकट बता रहा हूँ आ रहा हूँ भाई। रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ लें, ये संबंध बताता है। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ हाँ ना समझता है, या तो हाँ या तो ना, हाँ और ना के आधार पे पूरा दुनिया का काम कर देता है। दुनिया में जितने सॉफ्टवेयर हैं, गूगल क्यों ना हो, वो भी काम करता है सिर्फ हाँ और ना पर। ठीक, अब पता कैसे लगाया जाएगा कि हाँ या ना? तो पता लगाने के लिए हाँ ना यही होता है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक, चलिए जी देखते हैं। वेरिएबल बनाता हूं, वेरिएबल नहीं बनाता हूं, सीधा मैं प्रिंटएफ लिखता हूं। ठीक है, चलिए तो परसेंट डी लिख देता हूं। ठीक है, कॉमा, फिर 10 ग्रेटर देन 10 लिखा। ये ग्रेटर देन है, लेस देन है ना? ये मैं गलत फिर क्यों पढ़ रहा हूं? तो 10 लेस देन 10। ठीक, चलिए जी, चलिए तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? लेस देन है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू। ठीक है, आपने वो देवी जी सो कह रही है, उसको मन नहीं कर रहा है पढ़ने का?
जरा उससे पूछिए। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, आपने गणित में पढ़ा है बड़ा का चिन्ह छोटा का चिन्ह पढ़ा है ना, याद कितने लोगों को है बड़ा का चिन्ह छोटा का चिन्ह? ये जो है ना ये सब बड़ा है छोटा है, बड़ा है छोटा है, नहीं है ठीक है। तो इसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर बनाने में एक एक कदम पे होता है ठीक। जैसे किसी व्यक्ति से आपको काम कराना है तो एक एक कदम पे उसको लालच दिखाना पड़ेगा ठीक है। तो उसी तरह से एक एक कदम पे इसका इस्तेमाल आपको होने वाला है ठीक। अगर ये आप भूल गए, आपको नहीं आता तो मेरे से लिखवा लो जी, आप सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे जी, सच बता रहा हूं मैं। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा, बहुत, गाजर मूली और क्या कहें, बहुत इस्तेमाल होगा ठीक। तो मैं आता हूं इसी पे फिर से ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे चेक कर रहा हूं, 10 लेस देन 10 मतलब 10 छोटा है 10 से, यही मतलब हुआ ना इसका। तो रन करूंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ये तो गलत है ना, ये तो जीरो आ गया जी, क्या मजाक है, जीरो हो गया। चलिए नल आ गया जी, तो यहां पे जीरो ही आएगा ठीक। मैं सोच रहा था कि फाल्स प्रिंट करा दूं, लेकिन इसमें आएगा नहीं जी फाल्स ठीक है। तो इसको डी ही रखने दो, जीरो मतलब क्या फाल्स ठीक, और वन मतलब क्या ट्रू ठीक। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा नौ। अब क्या आना चाहिए, हाँ हाँ आना चाहिए, आ गया जी हाँ। इसको क्या कर दूं, पांच कर दूं ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, हाँ ठीक। अब लेस देन इक्वल टू, इसका क्या मतलब है, पांच छोटा है या बराबर है दस से राइट। तो अभी क्या आने वाला है, हाँ आ गया वन, आपको वन दिखाई तो दे रहा है ना, नहीं दिख रहा है, यही आ, हमको जरूरत नहीं है ना, हमको जरूरत नहीं है, क्या करेंगे जान के, थोड़े देर में समझ में आएगा। ये जो वन और जीरो आ रहा है ना, इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है इस वन जीरो का ठीक है। हम सिर्फ ये जानने का कोशिश कर रहे हैं हाँ या ना में उत्तर ले रहे हैं। आपको मैंने बोला कंप्यूटर तो दो ही भाषा समझता है ना, या तो हाँ या तो ना। भाई जाओ मार्केट में टमाटर खरीद के ले लाओ, 10 रुपए किलो हो तो ले लाओ ठीक, और नहीं है तो ना, हाँ या तो ना ठीक है। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे कर देता हूं 10 ठीक। अब आप लोग बताइए उत्तर क्या आएगा इसका, जीरो आएगा कि वन आएगा, हाँ या आएगा कि ना आएगा, जीरो आएगा। थोड़ा सोच के बोलिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, जरा सोच के बोलिए सच में। तो आपको जान करके बहुत अफसोस होगा कि मोदी हो चाहे मनमोहन हो, देश का विकास वही होगा जो हो रहा था। ये देख लीजिए आ गया, देखिए मेरा क्या कहने का मतलब है, 10 छोटा है या बराबर है ठीक, 10 छोटा है ठीक या बराबर है 10 से। तो छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है ठीक, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, इसलिए आ गया ट्रू माने 1 ठीक। तो देश का विकास वही होगा जो होता आ रहा है, मोदी हो चाहे मनमोहन हो, दोनों अंग्रेजों के एजेंट हैं ठीक है जी। एक ऑपरेटर आपका, दो ऑपरेटर खत्म ठीक। अगला ऑपरेटर क्या है जी, ये आपने दोनों देख लिया, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना। कितने ज्ञानी लोग हैं हमारे पास, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास है ना। अब बताइए उत्तर क्या आएगा,
उत्तर क्या आएगा? वाह क्या बात है, इतना टैलेंट हमने तो अपने टाइम पे कहीं देखा ही नहीं था। अब बताइए क्या आएगा, क्या आएगा? क्या बात है, आपने तो झंडा ही गाड़ दिया। अब क्या आएगा? अब कुछ आएगा, आपके कुछ हो ही भी नहीं करेगा। 11 वन आएगा पक्का? अच्छा आप सोच कैसे रही हैं, जरा उसको बोल करके सोचिए। 11 बड़ा है 10 से या 11 बराबर है 10 से, ये सोचिए। तो 11 तो बड़ा है ना 10 से? हाँ तो फिर बड़ा तो, हाँ तो बस 1 आना चाहिए ना। हाँ आ जाएगा 1, आ तो गया ना, इसमें सोचने वाला क्या बात है, बड़ा आसान काम है। 11 बड़ा है या बराबर है 10 से? हाँ जी बड़ा तो है 11, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ जी, 11 कर देता हूँ, तो अब बताइए क्या आएगा? हाँ सही है, हाँ ठीक है, तो आ गया 1। चलिए जी कितने ज्ञानी लोग हैं इधर, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? चलिए 1 2 3 4, आपने ये 4 लोगों को पढ़ लिया। इसको मैं फिर से पेंट में ही ओपन करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इतने को पढ़ लिया आप लोगों ने, पक्का पढ़ लिया? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? चलिए अब ये 2 बचता है, इसको भी पढ़ ले। चलिए जी पढ़ लेते हैं, तू हट जा। यहां पे क्या करूंगा, बराबर, ठीक। आपने कुछ इस तरह का कैलकुलेशन कर किया है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड, या फिर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है प्रूव्ड। तो आपने गणित में क्या करते थे आप लोग, बराबर का ही सिर्फ लगाते थे ना, यहां पे डबल इक्वल टू माने बराबर, ठीक। 11 बराबर है 11 के, ठीक। 11 डबल इक्वल टू 11, ठीक। बराबर का चिन्ह मतलब डबल इक्वल टू, आप लोग समझ गए। अब आप नहीं, सिंगल पे नहीं होगा, सिंगल अगर आपने किया तो सिंगल का माने है असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंगल का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंगल अगर रहेगा तो इसका मतलब ये है कि राइट साइड का वैल्यू को लेफ्ट साइड में हम शिफ्ट कर रहे हैं। सिंगल इक्वल टू का मतलब ये है प्रोग्रामिंग में, डबल इक्वल टू का मतलब बराबर है प्रोग्रामिंग के भाषा में, ठीक। डबल इक्वल टू का मतलब बराबर है प्रोग्रामिंग के भाषा में, और सिंगल इक्वल टू का मतलब राइट साइड का वैल्यू को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, ठीक। ये है, लेकिन यहां पे ये नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल ही होना चाहिए, ठीक। इसका आउटपुट आप लोग बताएंगे क्या आएगा? 1 आएगा पक्का? सच में यकीन है? हाँ तो आ गया। चलिए जी यहां पे कर देता हूं 10, अब क्या आएगा? 0 आएगा ना, हाँ आ गया 0, ठीक। तो समझ में आ गया आप लोगों की, आप लोग को हो क्या रहा है, नहीं मतलब इधर हो क्या रहा है, इसमें बराबर का चिन्ह है तो इसमें डाउट तो किसी को होगा नहीं, नहीं होगा ना, आ गया जी। अब दूसरा पढ़ते हैं, ए वाला, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। चलिए जी अब इसमें क्या है, इसका मतलब सर नॉट इक्वल होता है। हाँ इसका मतलब नॉट इक्वल टू होता है, गणित में तो ऐसा होता नहीं है, गणित में तो कुछ ऐसा होता है ऐसे कि मैं लाइनिंग वाला ले लाता हूँ, ठीक है, ये वाला ऐसे खींच लेगा और ऐसे खींच लेगा गणित में, और इसको कर देगा नॉट इक्वल टू, ठीक। तो ऐसे ही होता है ना नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, हमने कह दिया तो नहीं है मतलब नहीं है, ठीक। तो ये है नॉट इक्वल टू, ठीक है, आपको कैसे मालूम, बोलिए एक ठो मजबे किया था, नॉट इक्वल टू, ठीक। इसका मतलब होता है जी नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या आएगा, सही है बराबर सच में नहीं है, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? 1 आ गया जी 1,
जरा आप लोग बताइए अब क्या आएगा? जीरो आएगा, जीरो आ गया। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको समझ में नहीं आया होगा ये लॉजिक, तो मुझे जरा बताइए आप लोग। कोई भी चीज इसमें ऐसा कुछ चीज जो समझ में आपको ना आया हो? पहले वाला कौन सा बताऊं? ये वाला डबल इक्वल टू ना, सिंपल सा कहानी है। ये देखिए, क्या 12 12 के बराबर है? यही इसका मतलब है, राइट? समझ के मैं आ गया आपको। अच्छा आप लोग जरा बताइए, आई एन टी ए इक्वल टू 10, ठीक है, फिर आई एन टी बी इक्वल टू 10 कर दिया, ठीक, ए इक्वल टू बी। ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं ना ऐसा? भाई ऐसा करने में क्या बुराई है? उत्तर जरा बताइए आप लोग। ट्रू, वन, ठीक है जी। इसको क्या हो गया जी ये? अच्छा यहाँ पे ये मिसिंग कर दिया मैं, ठीक है, क्या हो गया? मेरा नेट तो नहीं खत्म हो गया 100%? नहीं तो बड़ा तकलीफ होगा मुझे, बंद कर दूंगा जी मैं। चलिए ये हो गया, वन आ गया, ठीक है। तो जितना ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लिख करके बताया था, वो सारा ऑपरेटर वेरिएबल्स की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो ये लॉजिक आपको क्लियर है? चलिए नॉट इक्वल टू भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या आएगा? अभी फल्स आएगा, जीरो या वन? चलिए जी, तो कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लो, नहीं पूछना चाहते हो तो कह दो हम ज्ञानी लोग हैं, सर्वगुण संपन्न लोग हैं, हमको जरूरत नहीं है पूछने का। मैं सही कह रहा हूं ना? चलिए जी आगे चले हम। अगला ऑपरेटर किधर है? अगला है ये लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या आ गया? कंट्रोल जेड करूंगा मैं इसमें, ठीक है। अगला है ये लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक। इस लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या? इस लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या? तो मैथ में कुछ था क्या ऐसा? बीच वाला समझ में आ रहा है? कौन सा? ये वाला? हाँ, क्या आ रहा है समझ में? किसमें क्या होता है? चलो मैं सतयुग में पढ़ा था, भूल गया हूँ, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम देखते हैं किसको? इसको, ठीक। अब इसका क्या मतलब है जी? आता हूं मैं इसका मतलब पे। अब तक हमने क्या किया? इक्वल टू लगा देता हूं। हमने अब तक ये किया कि यहां पे सिर्फ सिंगल कंडीशन चेक कर रहे थे ना, सिंगल ही कंडीशन था, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि मल्टीपल कंडीशन चेक हो। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, ठीक। उदाहरण में क्या ले लूंगा कि ए, नहीं क्या उदाहरण लूं मैं, चलिए मैं वही रहने देता हूं उदाहरण जो था, ठीक है। मैं मान लीजिए कि ये 10 और ये 10 जो है ना, ये यूजर देने वाला है इसका एनएफ से, ठीक। तो यहां पे मैं लगाऊंगा, ठीक है, ए डबल इक्वल टू 10 एंड, ठीक, और बी डबल इक्वल टू 11, ठीक। इसका क्या मतलब है? क्या ए 10 के बराबर है? तो ए में जो वैल्यू होगा मतलब 10, तो ये 10 के बराबर तो सच में है जी, ठीक है। तो क्या ए 10 के बराबर है एंड माने और बी 11 के बराबर है? तो बी में तो 10 है ना, तो यहां पे 10 आ जाएगा ऐसे, ठीक। तो 10 और 11 बराबर तो होते नहीं जी, ठीक। तो इसका जरा आउटपुट आप लोग बताइए, क्या
ए 10 के बराबर है और क्या बी 11 के बराबर है? नहीं है, राइट। तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए ना। क्यों सामने आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको है? हाँ, और मैं बोल रहा हूं और फाल्स होगा ना। आपको क्यों लगता है कि फाल्स होगा? हाँ, दोनों को पूछ रहा है और पूछ रहा है कि तुमको कलेक्टर भी बनना है, ठीक है, वसूली भी करना है। चलिए जी, आ गया जीरो, ठीक है। अब यही यहां पे मैं नॉट इक्वल टू कर देता, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता? वन आ जाता, राइट। मेरा बैटरी खत्म हो गया जी, चार्ज में लगा लूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? ए 10 के बराबर है और बी 11 के बराबर नहीं है, तो सच में बी 11 के बराबर नहीं है और ये 10 के बराबर है, ठीक। तो इसीलिए आ गया वन। तो एंड के केस में क्या होता है? दोनों साइड का वैल्यू चेक किया जाता है, ठीक। आपको ये बात समझ में आ गया? अगर पहला साइड का जो वैल्यू है अगर वो फाल्स हो जाएगा तो उत्तर फाल्स ही मिलेगा, ठीक। क्योंकि जब पहला ही वैल्यू फाल्स हो गया तो अगला वैल्यू ट्रू हो फाल्स हो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो फाल्स ही बोलना है ना। तो जैसे मान लीजिए ये वाला तो ट्रू है ना, ये वाला तो ट्रू है लेकिन ये वाला तो फाल्स है, तो आएगा देखना अभी फाल्स, ठीक। आ गया फाल्स, ठीक है। और ये वाला अगर ट्रू होगा तभी जाएगा इस कंडीशन को चेक करने, अन्यथा चेक ही नहीं करेगा। एक कंडीशन ट्रू होगा तब इधर चेक करेगा, अन्यथा नहीं चेक करेगा, क्योंकि एंड के केस में दोनों साइड का कंडीशन चाहिए ही चाहिए, ठीक। ये लो, ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है जी। आ गया, तो आप दोनों कर सकते हो जी, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गया आपको? एंड का मतलब आप लोग समझ गए? नहीं समझे? कोई ऐसा जिसको कोई कंफ्यूजन हो, मैं चार्जर लेके आता हूँ। सच में छू के देख लिया जी, करंट मारता है कि नहीं? गलती से छुए थे, मैं भाई मुंह में डाल दिया था एक बार और हमको पता चल गया था कि वोल्ट किसे कहते हैं, झटका किसे कहते हैं। खैर छोड़िए, इतना समझ में आ गया ना सबको? किसी को कोई दिक्कत है, किसी भी तरह का समस्या है तो पूछ लो, और नहीं पूछोगे आप तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें क्या? पक्का चलें? चलिए, एंड है, एंड के जगह पे एक ठो आ जाता है और, ठीक। और मतलब किसी एक साइड का भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा तो कह देगा हाँ सत्य है, ठीक। किसी एक साइड का कंडीशन अगर सही हो जाए तो कह देगा सही है, ठीक। अभी यहां पे आप देखिए, ए नॉट इक्वल टू 10, मतलब ये तो 10 के बराबर है ना, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? ए नॉट इक्वल टू 10, राइट। तो ये कंडीशन क्या होगा? फाल्स, फाल्स ही होगा ना, नहीं होगा फाल्स, फाल्स होगा। चलिए, या फिर मैं कर दूं लेस देन इक्वल टू, तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा फिर? फिर तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू हो गया, लेकिन इसको मैं डबल इक्वल टू कर देता हूँ जी। तो बी में क्या है? 10 है, 10 जो है 11 के बराबर नहीं होता है, लेकिन पहला वाला तो जो है सही है ना, तो पहला वाला सही है तो कर देगा ये ट्रू, माने वन आ गया वन। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर देता हूं ऐसे, तो क्या हुआ? ए, इसको डिपी डिलीट कर दूंगा मैं, ठीक। अब क्या होगा? ए ग्रेटर देन 10, तो मतलब 10 ग्रेटर देन 10, यही है ना ये का मतलब। तो ये तो फाल्स हो गया जी, लेकिन ये क्या है? ये भी फाल्स ही हो गया ना, 10 में 11 है, तो अब क्या आएगा? फाल्स आ जाएगा जी, आ गया फाल्स। अब इसी को हटा करके मैं ऐसे कर दूंगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो बी क्या है? बी का वैल्यू 10 है, तो 10 लेस देन माने 10 छोटा है या बराबर है 11 से, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गया ना, तो प्रोग्राम जो है
ट्रू रिटर्न कर देगा, माने वन रिटर्न कर देगा। ठीक, कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। दोनों साइड का कंडीशन और के केस में क्या होता है कि सारे कंडीशन को चेक करेगा वो, कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू निकल गया तो चलना ही चलना है, लेकिन कोई कंडीशन ट्रू नहीं निकला तो नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए यहां पे जो है ये ट्रू निकल गया, ठीक, तो आगे वो चेक ही नहीं करेगा, चला ही देगा, नीचे चला देगा वो। ठीक, आगे वो चेक नहीं करेगा, सीधा बोल देगा हाँ जी सही बोल रहा है ये। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ गया, नहीं आया और को ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे पाइप का साइन देके। ठीक, कंपाइल रन करूंगा मैं तो आ गया, तो दिक्कत तो होना नहीं चाहिए जी मेरे को लगता है। ठीक है, ए है लॉजिकल ऑपरेटर में एक तो ये भी आ जाता है जी। ठीक है, इसको मैं अभी बता दूं कि बाद में बताऊंगा, अब ये बता दूं, नहीं इसको मैं बाद में ही बता दूंगा आपको। और एक बचेगा यूरिनरी ऑपरेटर, इसको अभी ये बता दूं क्या, मैं अभी बता तो दूंगा लेकिन कंफ्यूजन, बता देता हूं। ठीक है, बता ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको क्या दिक्कत है बताने में, बता देता हूं अभी। तो समझ में आ गया सबको, इन सबको मिटा दो ना, मिटा दो ना, मिटाओ। चलिए, तो इतना तक तो रहता ही है। ठीक है, आप प्रोग्राम जो भी लिखोगे इसी के ऊपर लिखोगे, इसी के ऊपर लिखना ना। मेरा मोबाइल का भी बैटरी लो हो गया, चलो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे इंट ए लिखा, ए में असाइन कर दिया 10। ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक, समझ में आ गया आपको मैं क्या लिखा हूँ, क्या इसका मतलब है। ए इक्वल टू 11, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 और एक 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे ए में 11 आ जाएगा, यही आपका कहना है। चलिए, बाकियों को भी यही लगता है, बाकियों को भी यही लगता है ना, पक्का यही होगा, नहीं होगा। ए लिखा मैं, ठीक, ये गलत का है बता रहा है यार, जरा बताओ तो मेरे को, हाँ बताइए। अच्छा, डबल डबल डॉट कहाँ पे होता है, आपका कहना ये है, ऐसे कर दूं। ऐसे अब चला दूं, पक्का चला दो, चला देता हूँ जी, जब आप कह रहे हैं तो। ये तो ए दिखा रहा है, कुछ और बताइए तरीका। अच्छा, इतने देर में याद आ गया, परसेंट डी कर दिया, अब क्या करूँ, रन कर दूँ, नहीं करूँ तो अब क्या करूँ बताइए। चलिए ऐसे ही लिख देते हैं। चलिए जी, आ गया 11। ठीक है, इसी को शॉर्टकट तरीके से क्या बोला गया, ए प्लस प्लस सेमीकोलन। ठीक ठीक, समझ में आ गया आपको, नहीं आया। इसको कहा जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट, नहीं इसको पहले आप कहो इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक, इसको कहा जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक, अब यही इंक्रीमेंट ऑपरेटर करे प्लस का साइन, बाद में लगा है तो पोस्ट इंक्रीमेंट और पहले लगा है तो प्री इंक्रीमेंट। ठीक, इन दोनों में कुछ अंतर होता है, क्या अंतर होता है आपको मैं दिखाने का कोशिश करता हूं।
तो यहाँ पे आके प्लस प्लस कर दूंगा, हटा दूंगा इसको, अब आप लोग बताइए क्या क्या आना चाहिए। यहाँ पे मैं आऊंगा स्लैश करके एन कर दूंगा तो लाइन ब्रेक करेगा ये, बताइए आउटपुट क्या आएगा प्रिंट करूंगा तो। आना क्या चाहिए नहीं पता है, दिमाग लगाइए। अच्छा रिजल्ट आएगा 10-11, जैसे आपने पहले बोला था ना 11 आएगा, तो वही इसमें भी आएगा कुछ 11, 12, 13, 14। मैं रन कर देता हूं, 10 आ गया फिर 11 आ गया। आपको अजीब नहीं लग रहा है कि ये 10 क्यों आया, यहां तो इंक्रीमेंट हुआ ना, क्यों इंक्रीमेंट हुआ तो 10 क्यों आया, 11 आना चाहिए था। चलिए जी मैं हटा देता हूं, जब आपको इससे तकलीफ है तो। लाइन ब्रेक नहीं हुआ ना, लाइन ब्रेक करने के लिए मैं स्लेशन दिया था। चलिए तो पहले आ गया 10, फिर आ गया 11, आखिर क्यों। इसी को मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक। अब क्या होगा, 11-11 आ जाएगा हमारा, हो गया। तो यही दोनों में अंतर है, ये है प्री इंक्रीमेंट, मेरे को मालूम है, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, और ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो सारा काम कर लीजिए, उसके बाद वैल्यू यहां पे एक बढ़ता है, ठीक, पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में। तो यहां पे हम क्या काम कर रहे हैं, हम ए का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, काम हुआ प्रिंट करना। तो सबसे पहले ए का वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू सबसे पहले प्रिंट किया तो कितना प्रिंट कर दिया, 10 प्रिंट कर दिया। फिर ए का वैल्यू एक बढ़ाया तो हमें क्या हुआ, पता नहीं चला, पहले लाइन में आ गया 10, फिर 10 प्रिंट करने के बाद एक वैल्यू बढ़ा दिया, ठीक। उसके बाद जब अगला लाइन में आया तो ए लिखा हुआ था, तो ए का वैल्यू तो यहां पे बढ़ चुका था ना, यहां पे प्रिंट नहीं किया था, प्रिंट पहले कर दिया, बढ़ाया बाद में, ठीक है। और फिर जैसे ही यहां पे आया तो क्या किया, ए का वैल्यू जो 11 हुआ था उसको यहां पे प्रिंट कर दिया, तो वही आपको यहां पे आउटपुट मिल गया, ठीक, सही है, समझ में आया। चलिए इसी को रिवर्स करते हैं ऐसे, ठीक। अब इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें 11-11 प्रिंट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, पोस्ट इंक्रीमेंट के ठीक उल्टा होता है प्री इंक्रीमेंट। इसमें क्या किया, कुछ भी काम करना है बाद, सारे काम बाद में, ठीक है, सारे काम बाद में करना है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, पहले नेताओं का सुनना है फिर साधारण पब्लिक का, ठीक। ठीक उसी तरह से यहां भी सबसे पहले ए का वैल्यू बढ़ाओ, कुछ भी है सबको साइड में रखो, सारा काम साइड में, पहले ए का वैल्यू बढ़ाओ। तो ए का वैल्यू क्या किया, 10 को कर दिया 11, ठीक। और फिर क्या किया, 10 का वैल्यू जब 11 हुआ तो फिर प्रिंट कर दिया यहां पे, ठीक, आपको समझ में आया। फिर अगला लाइन में तो 11 प्रिंट होना ही था, क्यों, अगला लाइन में तो 11 प्रिंट होना ही था। तो दोनों में ये अंतर है जी, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, आपको समझ में आ गया, कोई किसी को डाउट, डाउट है तो जी अभी पूछ लो, बाद में मत कहना कि हमको नहीं समझ में आया, ठीक। चलिए एक ठो आपको मैं जोक सुनाऊं जी, पीछे सबको समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया, आ गया, फोटो खींचना है तो खींच लो भाई फोटो फाटो। चलिए मैं एक ठो आपको जोक सुनाता हूँ, ठीक है। मैं ट्रेनिंग में थर्ड ईयर का सवाल पूछा गया, एक भैंस 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है तो वही भैंस 20 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगा। एक भैंस 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है तो 20 मिनट में वही भैंस कितना किलोमीटर चलेगी। हाँ
सुन रहा हूँ जरा बताइए कितना चलेगा। अरे ये तो भैंस का मर्जी है ना अब ना चल के बीच में ही बैठ जाएगी भैंस तब तो हमारा सब गणित फेल हो गया जी क्यों ये भैंस के ऊपर है क्यों मैं तो मैं सही कह रहा हूं ना भैंस के ऊपर है अब इधर ही पानी में घुस के बैठ के रह जाए तो भैंस का मर्जी ना कितना बढ़िया फनी है ये बोलो जोर का झटका देने लगता है ठीक है तो अच्छा जोक है चलिए जी अगला क्वेश्चन पूछूं मैं छोड़ दो रहने दो बाद में पूछ लूंगा कभी तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है है नहीं है अब ये मत सोच लेना कि पड़ोसी पूछेगा तो हमारा भी डाउट क्लियर हो जाएगा क्यों मैंने दो तीन तरह के बच्चों से मिला एक थे जिनको कोई जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है दूसरा कौन जाए पूछने इतने लोगों को समझ में आ गया तो हम ही को समझ में नहीं आएगा तीसरा क्या बोलता है डाउट तो है यार चलो पड़ोसी को भी ये डाउट हो रहा होगा तो पड़ोसी पूछेगा तो हमारा भी डाउट क्लियर हो जाएगा तो आपका पड़ोसी भी यही सोच लेता है इसलिए आप अपने मर्जी से पूछ लो ठीक तो डाउट नहीं है ना किसी को है नहीं है चलिए जी ठीक है जब नहीं है तो आगे चलें बोलो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है आदमी आज तो क्या कहते हो आगे चलें यार कैसे करें साढ़े सात कहाँ है ओ नो मेरा टाइम ना थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है साढ़े सात नहीं बज रहा है भाई मेरा टाइम थोड़ा गड़बड़ चल रहा है अपडेट हो जा भाई टाइम अपडेट 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 फटाक से अपडेट होना YouTube पे जो वीडियो देख रहा होगा शायद उसको लग रहा होगा हम लोग कितना कम करता आदमी है सवेरे सवेरे उठ के पढ़ने लगते हैं क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना लेकिन हमारा सही टाइम तो ये है जी अब उसको भी देखेगा तो झटका लगेगा ये बड़ा चीटर है ये लोग क्यों ओ देख लिया होगा ना तो आगे क्या चलें या क्या करें आप लोग प्रैक्टिकल करोगे क्या क्या करोगे बताओ बता दूं आगे भी कौन वाला यूनेरी नहीं यूनेरी को नहीं बताऊंगा मैं अभी ये आप बता तो दिया अरे आपको मैंने बताया नहीं ये वाला जो है ना वही है हाँ वही है यहाँ पे भी तो प्लस प्लस था ना माइनस माइनस था वही है बताना मेरे को जो चाहिए अब और वो ए है ठीक है तो इसको बता दूं कि ना बताऊं अगर आज ही बता दूंगा ये सब तो कल कोई और चैप्टर पढ़ेंगे देखो मैं एक चीज बताऊं मैं आपको जबरदस्ती कभी नहीं पढ़ने का तो अगर आपको पढ़ने का इच्छा तो नहीं पढ़ने का जी जबरदस्ती वो अठारह इसको मालूम क्या बोला जाता है जबरदस्ती उखल में मुड़ी चल गया है चाहे जितना मुसर पड़ जाए ऐसा ही ज्ञान काम में नहीं आता जी वो बोलते हैं ना 18-18 घंटे पढ़ता हूँ वो लोग ऐसे ही पढ़ते हैं बस पन्ना पलटते रहते हैं सच में पढ़ते हैं ना जो 18-18 घंटे पढ़ते हैं सच में कोई भी पढ़ते हैं ना ठीक है मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो 18-18 घंटे पढ़ता है ना
एक दो घंटा शुरू का वो ध्यान से पढ़ता होगा, बाद में इधर उधर करके पढ़ना पड़ता होगा। क्यों भाई, एक ही पन्ने को आप 18-18 घंटे डेली पढ़ते हैं, क्या है? खैर छोड़िए, कैसे पढ़ते हैं 18 घंटे वो तो मेरे को नहीं मालूम थी। हम अगर 18 घंटे पढ़े होते तो जीवन में फेल ही नहीं होते कभी। ठीक है, तो आगे चले। ठीक है, इन सबको मैं करता हूं ऐसे। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है अगला ये। ठीक है, तो पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है बराबर का चिन्ह, आई एन टी ए इक्वल टू 10। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब आप समझ गए। ठीक, अब दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, ए प्लस इक्वल टू 10। ठीक, रन कर देता हूं जी, कंपाइल रन किया, क्या आंसर आ गया, ये तो 20 आ गया, क्या मजाक है जी। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर दूसरा, इसका क्या मतलब है, ए इक्वल टू ए प्लस 10, इसका मतलब यही है, आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसी का शॉर्टकट तरीका है ये, आपको समझ में आ गया, आ गया ना, नहीं आया। इस 10 के जगह पे कोई वेरिएबल्स भी हम रख सकते थे। ठीक है, अब इसी को मैं कर देता हूं माइनस, और यहां पे कर दूंगा 8। उत्तर क्या आएगा बताइए, पक्का आपको कंफर्म है? ठीक है, आ गया तू। अब इसी को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है क्या उत्तर आएगा, कितना आएगा? सिंपल सा बात है, 8 10। पक्का? इतना गणित तगड़ा है लोगों का, क्या मजे बात है। चलिए जी, इसको ऐसे कर देता हूं मैं। अब जीरो एक आ गया जी, ये तो बड़ा गंदा मजाक कर लिया, क्यों क्यों आ गया एक, 8 1 8। ठीक, इसमें योगफल योगफल भागफल बता रहा है, इसमें 8 1 8। ठीक, हाँ तो आंसर ही इसमें आएगा। ठीक है, तो कोई तकलीफ तो इसमें होगा नहीं किसी को, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, क्यों ऐसे तेजस्वी लोग हैं, तब तो देश का अच्छा विकास होगा। तो खत्म हो गया जी असाइनमेंट ऑपरेटर, बड़ा आसान काम था, था ना आसान। अब लोग इसको कहते हैं जी बड़ा कठिन है, सब बकवास ना, क्या मजाक है जी, सब बकवास था। अब बताइए उत्तर क्या आएगा, क्या हंड्रेड? पक्का? आर यू श्योर? ठीक है जी, मैं एक तो मूवी देख रहा था तो बोल रहा है आर यू श्योर, ऐसे बोल रहा आर यू श्योर। ठीक है, क्या मजाक है भाई। एक टेबल आई एम श्योर श्योर। ठीक है, चलिए जी, आ गया जीरो, प्लस कर दूं। अब जरा बताइए आप लोग, अब चलिए जी, गाड़ दिया आप लोग अब झंडा, तो आगे देखें क्या है इसमें। ये असाइनमेंट ऑपरेटर एक ठो बच गया। ठीक है, चलिए बता ही दीजिए अब इसको भी। सात बजे का पढ़ते पढ़ते एक बजा दिया, नहीं चलिए जी, अब बताइए इसमें रिमाइंडर बताना है, शेषफल। अब रिमाइंडर रिमाइंडर मेरा टीचर मुझे बार बार बोलता था, तो मैं सोचा कि रिमाइंडर का माने पूछ, आर यू श्योर? हाँ
सही में 10 आएगा जी, 0 आएगा, सच में आ गया। इसको बना दो क्या, नहीं। अब बताइए क्या आएगा। क्या बात है, कितने ज्ञानी लोग हैं। लगता है आपने जरूर मैथमेटिक्स में 110 नंबर लाया होगा। मना कर दिए, ये तो बड़ा ना इंसाफी है। आपको आंदोलन करना चाहिए था, सड़क पर उतर जाना चाहिए था, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाना चाहिए था। हक मांगने से ना मिले तो छीन लेना चाहिए, ठीक है। मैं सही कह रहा हूं ना, नहीं कह रहा हूं ना? हक मांगने से ना मिले तो छीन लेना चाहिए थी, ठीक है। हाँ, सच में मत आंदोलन पे उतर जाना, मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है। चलिए जी, तो 3 आ गया, ठीक है। तो किसी को कोई समस्या, कोई डाउट? और देखता हूँ, और कुछ छोड़ा हूँ क्या मैं? बिट वाइज को तो मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और टर्नरी को अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई तकलीफ, कोई दुख तो बताइए। कोई प्रश्न किसी के मन में, अभी का, पिछला, अगला, पिछला, पुराना, नया, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो जी, मैं बिल्कुल खाली बैठा हूं, ठीक। तो कोई समस्या नहीं है, है? सच में नहीं है। सामने आपको कोई दिक्कत है, है? हाँ हाँ, मैं आप ही का बात कर रहा हूँ, नहीं दिक्कत है, ठीक। कल हो सकता है, तो कल ऐसा क्या हो जाएगा कि दिक्कत हो जाएगा? हाँ, आदमी भूलता इसीलिए जब जबरदस्ती पढ़ने का कोशिश करे। खैर छोड़िए, अपना अपना लोगों का तरीका होता है। तो बंद कर दें जी, ना बंद करें? कुछ बचा है? क्या बचा है? आपको भी लगता है कि कुछ कम है? बता दीजिए, पूरा कर दूंगा। क्यों, बता दो, पूरा कर दे रहा हूं, कुछ कम है तो, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन में भी गलत कम नहीं होता। तो आपने क्या क्या पढ़ा टोटल, आपको याद तो है ना? भूल गए? नहीं भूले? बंद कर दूं? आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है जी, आप लोग प्रैक्टिकल करिए। चलिए, कोई खास नहीं हम लोग पढ़े हैं,